अगर तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे कि हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 316 बायोलॉजी, तो तुम्हें सिर्फ एक आंसर मिलेगा एंड दैट इज एनसीईआरटी। लेकिन हर कोई एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ता है, तो क्या सबके 360 आउट ऑफ 360 आ जाएंगे? फिर वो क्या फैक्टर है जो एक बहुत अच्छे एनसीईआरटी रीडर को एक बहुत एवरेज एनसीईआरटी रीडर से डिफरेंशिएट करता है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्या हमें एनसीईआरटी बायो के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साहू, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। एंड मेरी नीट 2021 में बायो में 360 आउट ऑफ 360 थे एंड मेरा जो टोटल स्कोर था दैट इज 715 आउट ऑफ 720 एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो आपको ऐसी वीडियो कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी या फिर कहीं आपने उसके बारे में चर्चा करते हुए नहीं देखा होगा, डेफिनेटली। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक इन इट सेंस कि जो कुछ मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बायो के रिगार्डिंग, और आज के बाद इस वीडियो के बाद आपका जो परसेप्शन है एनसीईआरटी बायो पढ़ने का, कि आप किस तरीके से बायो का अप्रोच करते हो या फिर बायो को देखते हो, वो काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है, आप लेक्चर अटेंड करते हो, उसके बाद आप पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हो, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, आपको 50% सपोज हम मान लेते हैं कि 50% समझ में आएगा, होगा कि जिसको 60-70% अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली रीडिंग में आपको 50% समझ में आ गया एंड देन आफ्टर आप जब मल्टीपल रीडिंग लगाओगे धीरे धीरे वो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड जितनी बार आप रीडिंग लगाते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। एंड इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि एनसीईआरटी में पता है क्या होता है, कुछ कुछ हिडन लाइन्स होती हैं जो हमें बहुत बाद में जाकर रियलाइज़ होती हैं। मुझे याद है कि जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो कुछ कुछ ऐसी नई नई चीज़ें, नई नई टाइप्स की इन्फॉर्मेशन मुझे लास्ट मंथ तक मिलती जा रही थी। सो द थिंग इज दैट ये हमेशा चलता रहता है एंड कभी भी कोई भी 100% एनसीईआरटी को नहीं कर सकता, इट जस्ट टेंड्स टू 100% बट इट्स नेवर 100%। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज माय 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो मैं क्या करता था, मैं जितने जो भी चैप्टर पढ़ता था उसके बाद मैं चैप्टर से पढ़ता था और कुछ अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करता था। एज यू कैन सी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं अपने सारे क्वेश्चंस लिख देता था, मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टफ से टफ क्वेश्चन फ्रेम कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब यहाँ पे नेमेटोड्स पढ़ोगे इन दिस, सो एस्किल्मिन्थेस जब आप पढ़ोगे, एस्किल्मिन्थेस आल्सो कॉल्ड नेमेटोड्स, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड वेल एज इन एनिमल्स एक्चुअली। सो नेमेटोड्स जो होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में पैरासिटिक होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया उसके रिगार्डिंग कि नेमेटोड्स आर पैरासिटिक, आई होप यू कैन सी कि नेमेटोड्स आर पैरासिटिक टू ऑप्शन नंबर ए प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी एनिमल, ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ, ऑप्शन नंबर फोर्थ नन। तो इसका आंसर जो होगा वो बोथ होगा बिकॉज दे आर पैरासिटिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। सो इसी तरीके से मैंने अपने सारे चैप्टर्स के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे जो मैं फ्रेम करता था खुद, वो मैं हर चैप्टर की स्टार्टिंग में कर लेता था एंड ये जो क्वेश्चंस होते थे मैं चैप्टर रिवाइज एज अ रिवीजन, चैप्टर रिवीजन में यूज करता था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेम किया है, एज यू कैन सी कि हाउ कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रो अक्रॉस अ प्लांट, मतलब कर्ली टॉप वायरस एक प्लांट में कैसे फैलता है। अब बहुत से लोगों को लगेगा इट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट द थिंग इज दैट नो, इट इज टेकन फ्रॉम जो बायोग्राफी दी रहती है, मतलब हर यूनिट स्टार्ट होने से पहले एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी दी रहती है, तो वो बायोग्राफी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक यहाँ पे कैथरीन निसाओ है, जब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला देखोगे उसके पहले, तो यहाँ पे देखो क्लियर कट लिखा हुआ है वो चीज़ कि जो कर्ली टॉप वायरस, बिकॉज इन्होंने कर्ली टॉप वायरस पर रिसर्च की थी, तो कर्ली टॉप वायरस जो होता है स्प्रेड करता है प्लांट में, वे आर द फूड कंडक्टिंग चैनल, दीज आर कॉल्ड फ्लोएम। तो फ्लोएम के थ्रू कर्ली टॉप वायरस प्लांट में स्प्रेड करता है, उससे रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। सो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब आप 5-6 बार किसी चैप्टर को पढ़ लें तो उसके बाद हर लाइन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन खुद से फ्रेम करना सीखें। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी हर यूनिट के पहले का जो बायोग्राफी है साइंटिस्ट का, वो बिल्कुल भी मिस ना करें। उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको कौन कौन से अवार्ड मिले, उसके डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, एंड पॉइंट नंबर 3 इज दैट समरी, या किसी भी चैप्टर की समरी आपको नहीं मिस आउट करनी। समरी में कभी कभी बहुत ज़्यादा एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल, देखो दिस इज माई 12th बायोलॉजी एज यू कैन सी। तो जब आप इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ओपन करोगे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले की जब आप समरी देखोगे तो उसके लास्ट में यू विल फाइंड कि ये जो समरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो यू विल फाइंड कि पार्टोरिएशन दैट इज अ चाइल्ड बर्थ, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म जिसमें कॉर्टिसोल इन्वॉल्व होता है, ईस्ट्रोजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होता है। सो द थिंग इज दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कॉर्टिसोल का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये आप फर्स्ट ईयर जब आप MBBS में आओगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, तब आपको, सो दैट इज वाई समरी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग।
नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज कंसाइजिंग एवरीथिंग, मतलब हर चीज को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें, लास्ट मोमेंट के लिए तैयार रह सकें और आप मल्टीपल टाइम्स चीजों को रीड कर सकें। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें क्लियर कर। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आपको काम आएगा आपकी उसमें बायो को याद करने में, दैट इज पिक्टोरियल फॉर्म में याद करना चीज़ों को। आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन जब एक्ट करता है रीनल ट्यूबुल्स पे तो क्या इफेक्ट होता है, तो वो आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट कराएगा, फॉस्फेट को एक्सक्रीट कराओगे, तो जो टेक्स्ट वाली चीज़ें होती है वो हमारा ब्रेन याद नहीं कर पाता। हमारा ब्रेन किसी पिक्चर को ईजिली याद कर सकता है, तो इस वजह से अगर आप एक डायग्राम बना सको इसी चीज़ को शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर बना दिया कि एक रीनल ट्यूब्यूल बना दिया, एल्डोस्टेरोन ऊपर रख दिया एंड मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि सोडियम एंड वाटर बाहर जा रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल से एंड पोटेशियम एंड फॉस्फेट जो है वो अंदर जा रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल के। ऐसे एक कॉन्सेप्ट पिक्चर बनाते हो ना कि क्या हो रहा है, तो वो आप याद कर पाते हो। ओके, इट वुड बी वेरी इजी। एंड अगर मैं शॉर्ट नोट्स को बताऊं तो देखा जाए कि एक वीडियो में शॉर्ट नोट्स बता पाना कि बायो के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए बहुत डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली इसी हफ्ते आ जाएगा बायो के शॉर्ट नोट्स का। देखो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बारे में बताया है, लेकिन एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच ही कमेंट करता हूँ। बट द थिंग इज दैट दे हैव लॉन्च एनसीईआरटी अभ्यास बुक्स जो मैंने 4 दिन पहले ऑर्डर की थी एंड लकली वो मेरे पास आ चुकी है। सो अब हम करेंगे एनसीईआरटी बुक्स की अनबॉक्सिंग, लेट मी शो यू। सो इन दिस एनसीईआरटी अभ्यास यू विल फाइंड कि देयर आर 8 बुक्स हैं और 50 OMR सीट्स हैं जो हम बाद में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आपको 4 बुक्स केमिस्ट्री की मिलेंगी एंड आपको 4 बुक्स फिजिक्स की मिलेंगी। एज यू कैन सी ये फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स 11 पार्ट 1 एंड फिजिक्स 11 पार्ट 2, इसी तरीके से फिजिक्स 12 पार्ट 1 एंड फिजिक्स 12 पार्ट 2। सिमिलरली यू विल फाइंड केमिस्ट्री की 4 बुक्स हैं, दैट इज 11th की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड 12th की पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिमिलरली फॉर एग्जांपल दिस इज फिजिक्स 11 पार्ट 1। ओके, सो फिजिक्स 11 पार्ट 1 में द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड इज द कंटेंट, तो यहां पे इंडेक्स उसी तरीके से यहां पे चैप्टर्स डिवाइड किया गया जैसे एनसीईआरटी में होता है एंड देन आफ्टर आपका वो स्टार्ट होता है, तो यहां पे आपको पेज वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे के सारे। तो जो छोटे फॉन्ट साइज से ओल्ड एनसीईआरटी का नंबर मेंशन है एंड बड़े फॉन्ट साइज से न्यू एनसीईआरटी का नंबर मेंशन है, हर चैप्टर के एंड में आपको उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे एंड इसके जो डिटेल्ड ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच मिल जाएंगे एज आई एम शोइंग यू। ओके, सो सिमिलर अरेंजमेंट यू विल फाइंड फॉर द केमिस्ट्री, जैसे मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का 11 पार्ट 1 ओपन किया हुआ है एंड वन मोर थिंग इज दैट जितने भी 25 साल में AIPMT एम्स और नीट के इंपॉर्टेंट PYQ हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। लेट मी शो यू, फॉर एग्जांपल या सो दिस इज AIPMT 2013 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से यहाँ पे जगह जगह जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ हैं वो इंक्लूडेड है। ये जो पूरा का पूरा है वो अपडेटेड नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस 8 बुक्स यू विल फाइंड 50 OMR शीट्स, और मैं आपको बता दूं कि दीज OMR शीट्स इज नॉट लाइक द अदर OMR शीट, ये एक्चुअली नीट एग्जाम में जैसा OMR शीट होता है वैसे ही है, उसी थिकनेस का है, उसी तरीके से इसका पैटर्न है ताकि आपको एक रियल आइडिया लग सके जब आप इस पर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कुछ भी नीट एग्जाम में अलग ना लगे। सो दीज आर द 50 OMR शीट्स जो इसमें इंक्लूडेड है। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर एनसीईआरटी अभ्यास बुक्स, मैंने लिंक्स जो है वो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं एंड अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच नहीं जानते तो जस्ट लेट मी टेल यू कि इसमें आपको न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी, आपको PYQ मार्क एनसीईआरटी का सेक्शन मिल जाएगा, तो इसमें आपको पेज वाइज अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है एंड मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, गो एंड चेक इट आउट। यार बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, वो डेटा आपको याद होना चाहिए, तो उस डेटा को याद करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि कुछ चीज़ों को लिख लेना, लाइक लेट मी शो यू, जब आप बायो मॉलिक्यूल्स करोगे तो ये बायो मॉलिक्यूल्स के शॉर्ट नोट्स हैं, बट हमारा पॉइंट अभी ये है कि देखो बायो मॉलिक्यूल में आपको कुछ टेबल्स मिलेंगे जिसमें आपको पिगमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, एल्कलॉइड्स के नेम दिए हुए हैं, टर्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे जो नेम्स वो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, तो आप अलग से लिख सकते हो। एंड आप ये जो पेजेस आप बना रहे हो, लाइक प्रोटीन है तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है, लाइक GLUT4 से तो क्वेश्चन आया हुआ है कि GLUT4 इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन टू द सेल, एंड इसी के साथ साथ ये जो डेटा है कि एक एसेंशियल एनालिसिस ओपन बॉडी करोगे तो ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट कार्बन है, तो ये जो सारा डेटा है ये आप इसमें लिखो एंड आप इसको वॉल पे पेस्ट कर लो। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो क्रैब साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस होता है एंड जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये जो भूलने वाली चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली भूल जाओगे वो आपको अलग से पेज पे लिखना है, आपको सामने लगाना है। लेट मी जस्ट शो यू, जैसे मैंने यहाँ पे देखो फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है और उसी तरीके से क्रैब साइकिल भी खुद से बनाई हुई है और इसको एक ऐसे ही अलग से पेज पे बना के मैंने वॉल पे भी पेस्ट किया होता है। जब आप इसे बार बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर कहाँ पे अंदर जा रहा है, कहाँ पे CO2 निकल रहा है, ये रिडक्शन वाली प्रोसेस कहाँ कहाँ चल रही हैं, कहाँ पे GTP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता होगी, जब ये चीज़ें आपके सामने होंगी, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली भूलने वाली चीज़ें हैं, दैट इज़ वाई इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। ओके,
ओके सो लेट मी शो यू अनदर वे कि एक्चुअली क्या होता है जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बहुत छोटे छोटे बनाता था, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता था कि मुझे एक दो पेजेस में ही वो चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उस चैप्टर की जितने भी की पॉइंट्स होते थे, की लाइन होती थी, वो मैं लिख लेता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चैप्टर का डेटा। जिस फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है और ये इसी पेज में खत्म हो जाता है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का जितना भी डेटा है वो मैंने ऊपर वाले बार में लिख दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया की पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे भी वो डेटा लिखा हुआ है कि 40 to 50 million MTPs हुई हैं एक साल में होती हैं, एंड MTP एक्ट 1971 में आया हुआ था। तो एवरीथिंग आई हैव मेंशन, तो जो डेटा वाला पोर्शन है वो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में एक अलग सा बार या फिर एक अलग से कॉलम में लिख दें, क्योंकि डेटा वाला पोर्शन आपको अलग से रिवाइज करना पड़ सकता है इस वजह से। Now, we will talk about, is NCERT sufficient to score 360 out of 360 degree? The thing is that, इसका आंसर yes भी है, इसका आंसर no भी है. Let me tell you one thing, कि एक्चुअली क्या होता है, अगर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ता है और वो कुछ नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ NCERT पढ़े जा रहा है, उसकी 340 नहीं आने वाले। द थिंग इज दैट कि आपको चाहिए कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हो, लेकिन आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी डेफिनेटली लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है, चीज़ों को रिवाइज भी अच्छे से करना है, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। पढ़ना रटना इज नॉट सफिशिएंट टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360, बिकॉज एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। होगा वो NCERT से, लेकिन अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन हुआ और आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हुई तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए देखा जाए कि अच्छे क्वेश्चंस लगाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना आपके माइंड को थोड़ा सा ओपन अप करता है। सो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ो एंड बट ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर मत करो इस वजह से, और NCERT करो, NCERT बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस लगाओ एंड प्रैक्टिस अच्छे से करो, एंड यू आर डन एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर 360 अप टू 360 इन बायोलॉजी। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज इज कि हमें कितनी बार NCERT को पढ़ना है। सो मैं सच बताऊँ, इसका कोई नंबर नहीं है। जो चैप्टर ज़्यादा टफ होते हैं लाइक इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, उसमें आपको ज़्यादा बार पढ़ना होता है। जो चैप्टर ईजी होते हैं वो आप कम बार पढ़ोगे तो भी ठीक है, वो सब्जेक्टिव है कि आपको क्या टफ हो, क्या सही लगता है। बट द थिंग इज दैट, जैसे अगर मेरा देखा जाए तो ऑन एन एवरेज मैंने हर चैप्टर 16 से 20 बार पढ़ा होगा, मतलब 16 या 20 बार ही पढ़ा होगा। जो टफ चैप्टर्स है वो और ज़्यादा पढ़ा होगा। सो द थिंग इज दैट, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिड्यूस करना होगा, क्योंकि आप बार बार तो पूरा गो थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का रोल आता है। क्योंकि आप ऐसा, आप मुझे बताओ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जिसमें आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, तो क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप NCERT की एक एक लाइन दोबारा से पढ़ें? नहीं। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस है, और शॉर्ट नोट्स बनाना हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसी हफ्ते हम सीखेंगे। ओके तो कुछ ही मैंने बताया इस वीडियो में, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पॉइंट्स थे बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।